हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। यहाँ पे लास्ट वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज हमने पूरी तरह से सॉल्व कर ली थी और हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक्सरसाइज का बेस कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन एक्सरसाइज के सारे सम्स को हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे अगर आपने अभी तक वेल एकेडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप मेरी वीडियो को रेगुलरली एक दिन में एक बार, मतलब अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हो तो आप मुझे डेली एक वीडियो फॉलो कर लो, एक वीडियो डेली देख लो, आई बेट आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप डेली सिर्फ एक ही वीडियो आपको देखनी है 20 मिनट्स की और आपका अच्छे से अच्छा मैथमेटिक्स हो जाएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। नाउ आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। तो लास्ट 2.1 में हमने लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के बारे में डिस्कस किया था। अब आप हर बार नोटिस करते होंगे कि पॉलीनोमियल्स जो है उसको जनरली ऐसे लिखा जाता है, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, ऐसे सब लिखा जाता है। तो इसको क्यों लिखा जाता है? जनरली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही सिंपल है, रिप्रेजेंट करता है कि p मीन्स पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल ऑफ x, ऑफ x मतलब पॉलीनोमियल इन वेरिएबल x। ये पॉलीनोमियल की अगर बात करें तो ये पॉलीनोमियल जो है उसमें सारे वेरिएबल्स कौन से होंगे, x के फॉर्म में होंगे, यानी कि x के हिसाब से पॉलीनोमियल, सॉरी वेरिएबल को डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर हम p ऑफ y की बात करें तो पॉलीनोमियल ऑफ y, उसमें वेरिएबल जो है वो y यूज किया गया है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही है, p ऑफ y है तो उसको देखो तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन ऐसे ही लिखा हुआ है। p ऑफ t तो उसमें हर जगह पे t दिखेगा, p ऑफ x में x और p ऑफ x में अगेन x दिखेगा। नाउ ये चीज मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि इसको इसलिए डिस्क्राइब किया गया है कि सपोज आप अगर p ऑफ x में x की जगह पे कोई वैल्यू डिसाइड करते हो कि ये वैल्यू को इंसर्ट करना है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक है पॉलीनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये एक मेरे पास एग्जांपल के तौर पे पॉलीनोमियल है x के फॉर्म में। अब मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू जब 1 हो तो पॉलीनोमियल का आंसर क्या होगा, मतलब x की वैल्यू जब 1 हो तो पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे x की वैल्यू 1 है तो मुझे क्या करना है, जहां जहां पे पॉलीनोमियल में x आ रहा है वहां पे 1 रख देना है। सिंपल, जहां पे x आ रहा है वहां पे 1 रख देना है। ये जो राइम है ना उसको हमेशा याद रखना, जहां पे x आ रहा है वहां पे हमें वैल्यू पुट अप करनी है, जहां पे x आ रहा है वहां पे वो वैल्यू रख देनी है। तो यहां पे x की वैल्यू 1 है तो जहां जहां x आएगा वहां वहां हम 1 पुट अप कर देंगे। तो यहां पे p ऑफ x में यहां पे अगेन x आ रहा है तो हम यहां पे कर देंगे 1। तो अब पूछा क्या है, x की वैल्यू 1 हो तो पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे p ऑफ 1 मतलब क्या, पॉलीनोमियल एट 1, पॉलीनोमियल ऑफ 1, यानी कि पॉलीनोमियल की वैल्यू जब यहां पे पॉलीनोमियल में जब वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 होगी तो पॉलीनोमियल का आंसर क्या होगा। तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो जहां पे x है वहां पे क्या रखना है, 1। तो x सिर्फ x की जगह पे ही रखना है, x के ऊपर अगर स्क्वायर है तो वो भी नहीं बदलना चाहिए, सिर्फ x की जगह पे 1 रख देना है, मतलब x है तो उसकी जगह पे 1 रख दिया और उसका स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे यहां पे हमने क्या कर दिया, 1 रखा और उसके ऊपर स्क्वायर जैसा था वैसा ही रख दिया। बाकी यहां पे से देख के ही आपको लिख देना है, यहां पे प्लस है तो प्लस लिख दो, फिर यहां पे 2 आता है उसको भी लिख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 प्लस 2, तो यहां पे आता है आंसर 3। तो p ऑफ 1 क्या मिला मुझे, 3 मिला। ठीक है, समझ में आ गया कि p ऑफ x क्यों होता है और इसमें वैल्यू भी कैसे रखते हैं और रखते हैं तब क्या किया जाता है, ये भी आपको भी पता चल गया होगा। ठीक है ना, तो यहां पे हम 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे और भी चीजें आने वाली है तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहां पे आपने क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, डिटेल फॉर्म में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। ठीक है, पॉलीनोमियल एक दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है अलग अलग x की वैल्यू पे, यानी कि एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 2। तो इंडिविजुअली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे अगर हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो 5x पहले हम पॉलीनोमियल को लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर, ओके यहां पे मैं ब्रैकेट नहीं बना रहा हूं, 4x स्क्वायर प्लस 3, ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अब मुझे x इक्वल टू 0 चाहिए तो x इक्वल टू 0 पे पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होगी, सेम यहां पे आप देख रहे हो सेम वही चीज आ रही है। तो अब ये क्या होगा, सिर्फ यहां पे जो है अगर आप चाहते हो, आप लगाना चाहते हो तो ये क्वेश्चन को यहां पे आप ऐसे
लिख सकते हो p of x equals to, कोई आपको गलत नहीं देगा, p of x equals to, ऐसे हमने लिख दिया। अब मुझे x equals to 0, तो यहाँ पे आ गया p of 0, और यहाँ पे मुझे x की जगह पे 0 रख देना है, x की जगह पे 0, तो x के आगे कोएफिशिएंट में phi है, तो वो अभी नहीं बदलना है, डायरेक्ट मत करना कुछ भी, तो phi x की जगह पे 0 रख दिया, माइनस 4 x की जगह पे 0 रख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर भी आ गया, और प्लस 3, तो 5 0 0, हमें पता है 0 होने वाला है, लेकिन स्टेप्स को फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप लिखो, गलती नहीं होगी आपकी। फिर माइनस 4 0 सब 0 हो जाएगा, प्लस 3 बचेगा, तो प्लस 3, और आंसर आया 3। तो p ऑफ 0 यानी कि ये पॉलीनोमियल की x की वैल्यू 0 हो तब पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, सेम वे अगर हम दूसरा सॉल्व करते हैं, तो यहां पे हमें फाइंड करना है x equals to minus 1। तो यहां पे आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, अब मैं वैल्यू बदलूंगा, तो यहां पे x equals to minus 1 हो तब वैल्यू क्या होगी, तो p of minus 1 equals to 5, x की जगह पे minus 1, अब देखो माइनस वाली वैल्यूज आती है ना, तो उसमें बहुत ध्यान रखना है, जरा भी गड़बड़ नहीं करनी है। सेम यहां पे माइनस है, तो माइनस को अच्छे से फॉलो करो, और 4 into minus 1 उसका स्क्वायर, फिर प्लस 3, माइनस में हमेशा एक स्टेप बढ़ जाएगा साइन को सॉल्व करने में, जैसे कि यहां 5 into minus 1 क्या होगा, माइनस 5 होगा, फिर यहां पे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, और देन माइनस की बारी आएगी, ये बाहर वाला माइनस भी काम करेगा यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पे माइनस हम अभी रख देते हैं, 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो यहां पे 4 into 1, बिगिनर लेवल के लिए अगर आपको अच्छे से आता है, खुद पे भरोसा है, तो डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन जब तक भरोसा नहीं आता है, थोड़ा बहुत टेंशन है, तो मत करो, ठीक है। तो माइनस वन का स्क्वायर 1 हो गया, अब 4 1 4, तो माइनस 5, फिर माइनस 4, प्लस 3। अब ये जो है ना, ये पार्ट जनरली बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3, तो इसका बेसिक सा सिंपल सॉल्यूशन यही है कि जो सेम साइन वाले ना उनको सबसे पहले ऐड कर दो, जैसे कि माइनस वाला 5 है, माइनस 4 भी है, तो दोनों को ऐड करके हम बना देते हैं माइनस 9, सिंपल, फिर प्लस 3 है, ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया, यानी कि प्लस वाला अगर यहाँ पे प्लस 3 के बाद प्लस 4 होता तो हम क्या करते, 4 + 3 = 7 कर देते, प्लस वाले 7 है और माइनस वाला 9 है, सम कर देते, यहां पे क्या है, माइनस 9 है और यहां पे प्लस 3, माइनस 5 माइनस 4 क्या हो गया, माइनस 9 हो गया, और प्लस 3 हमारे पास है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल, जो माइनस प्लस, जब ऐसा माइनस और प्लस आ जाए ना, तब क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल देना है, जब भी माइनस प्लस आए तो, ठीक है, तो 9 - 3, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल दो, 9 - 3 क्या आंसर आता है, 6 आंसर आता है ना, लेकिन साइन किसकी रहेगी, जो बड़ा नंबर होगा उसकी साइन रहेगी, बड़ा नंबर कौन सा है, 9, उसके आगे साइन कौन सी है, माइनस। ये हर बार तभी काम करेगा जब आपकी साइन प्लस माइनस अलग अलग हो तो, मतलब यहां पे प्लस माइनस यानी कि माइनस 4 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 5 ऐसे सब टर्म्स है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल दो, और जो बड़े नंबर की साइन हो उसके आगे जो साइन हो वो रख दो, वो आपके फाइनल आंसर में रख दो, ठीक है। तो यहां पे आंसर आया -6, यानी कि -1 पे वैल्यू क्या होगी, -6 होगी। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, तो x equals to 2 है, तो x equals to 2 पे ये पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो x equals to 2 पे यहां पे मैं x equals to 2 लिखूंगा, एंड देन p of 2 equals to, यहां पे हम लिखेंगे 5 × 2 - 4 × 2² + 3, x की जगह पे ही वैल्यू रखनी है, x के ऊपर स्क्वायर हटना नहीं चाहिए, मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, 5 × 2 = 10 माइनस, अब 2 × 2 = 4, यानी कि ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कितनों को अभी स्क्वायर में भी प्रॉब्लम होती है, क्यों, मैंने देखा हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो ये 2 × 2 नहीं होता है, 2 को दो बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 = 4 + 4 = 16 + 3 = 10। अब यहां पे देखो 10 के आगे कोई साइन नहीं है, तो सबको लगता है 10 बिना साइन का है, जब कोई साइन नहीं होती है तो उसके आगे बाय डिफॉल्ट प्लस होती है, तो प्लस वाला यहां पे 10 है और 3 है, तो 10 + 3 = 13 हो गया, 13 - 16, वापस से आया +13 - 16, +13 - 16, क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल दो, 16 - 13 क्या आया आंसर, 3 आया, ठीक है, और बड़ा नंबर कौन सा है, 16, उसके आगे साइन है माइनस, तो आ गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया आपको, -3 यहां पे आया, तो हमने तीनों को सॉल्व कर दिया, आप वीडियो में बैक जाके पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें से मैं दो सम आपको होमवर्क में देने वाला हूं, यहां पे मैं सॉल्व करूंगा
सेकेंड वाला सॉल्व करूंगा और यहां पे मैं थर्ड वाला सॉल्व करूंगा. फर्स्ट एंड फोर्थ आपके लिए होमवर्क टाइप रहेगा, आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में आंसर बताना है. कमेंट्स में आपको आंसर बताना है, कमेंट करके आप उसका आंसर बता देना, ठीक है ना. यहां पे आप हम बात करते हैं पी ऑफ टी, वो क्या है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या पूछा है, पी ऑफ 0 फाइंड करो, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 फाइंड करो. स्पेस नहीं है तो मैं जरा स्टेप्स को फॉरवर्ड कर दूंगा. चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं. सो यहां पे अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं. तो यहां पे सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा पी ऑफ 0. तो यहां पे पी ऑफ 0, अब देखो ट्विस्ट यहां पे ये है कि डायरेक्टली यहां पे पी ऑफ 0 बोल दिया है. यहां पे क्या बोला था, x की वैल्यू, यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू 0 डायरेक्टली दिया था, यहां पे बोला नहीं है. तो बच्चों को लगता है क्या क्या करेंगे हम यहां पे पी ऑफ 0 दिया हुआ है, दैट मींस आपको फाइंड करना है पॉलिनोमियल की वैल्यू जब टी की वैल्यू 0 हो तब. तो यहां पे 0 हो तो पी ऑफ क्या करेंगे, 0 कर देंगे. दैट मींस टी की जगह पे हमने क्या रखा, 0. यहां पे जब टी की जगह पे 0 रख दिया तो यहां पे भी टी की जगह पे 0 ही रखेंगे. तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब. सो यहां पे आता है आंसर, सब ये सब 0 हो जाएगा और आंसर आएगा 2. तो पॉलिनोमियल की में टी की वैल्यू 0 होगी तब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 2 है. नाउ सिंपल जाते हैं यहां पे पी ऑफ 1 पे जाते हैं. तो पी ऑफ 1 क्या है यहां पे, तो पी ऑफ 1 में मैंने टी की जगह पे 1 रख दिया तो हर जगह पे वही करूंगा मैं, ओके 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब. सो 2 प्लस 1 प्लस, अब ये फटाफट में इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, प्लस की साइन है बीच में, तो 2 प्लस 1 होगा प्लस 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा. सो यहां पे अगर आप देखो तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 प्लस 2 4 आएगा, पी ऑफ 1 की वैल्यू आई 4. सो यहां पे नेक्स्ट हम बात करते हैं पी ऑफ 2. तो यहां पे क्या करना है, टी की जगह पे क्या रख देना है, 2 रख देना है. तो यहां पे 2 प्लस 2, मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, आपको भी बनाने एग्जाम में ब्रैकेट से पता चलता है, हमें भी पता लगता है कि यहां पे हमने वैल्यू रखी हुई है. सो प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, ब्रैकेट की आदत आपको डालनी होगी क्योंकि हर बार पॉजिटिव नंबर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, नेगेटिव आएगा तो कंपलसरी ब्रैकेट बनाना है, तब याद रहे ना रहे इससे अच्छा एबिटी डाल दो ब्रैकेट बनाने की. नाउ आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आता है 2 क्यूब, यहां पे आता है 2 प्लस 2 प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 इंटू 2 8. नाउ यहां पे माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8. अगर आप प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल करते हो तो आंसर आता है 2 प्लस 2 4. तो ये हो गया पी ऑफ 2, ठीक है. तो यहां पे हमने मैंने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और थर्ड क्वेश्चन तो इजी है, वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा. तो यहां पे थर्ड क्वेश्चन में पी ऑफ 0 फाइंड करेंगे, तो पी ऑफ 0 क्या आएगा, तो x की जगह पे क्या रख देना है, 0 रख देना है. तो यहां पे अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूं x क्यूब और यहां पे मैं p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 क्यूब, तो आंसर आएगा 0. p ऑफ 0 क्या आया, 0 आया, बिकॉज यहां पे सिर्फ एक ही टर्म है. देन आगे बढ़ते हैं, तो p ऑफ 1 की बात करते हैं, तो p ऑफ 1 फाइंड करना है, तो 1 का क्यूब x की जगह पे रख दिया तो p ऑफ 1 क्या आया, 1 आया. और नेक्स्ट आता है p ऑफ 2, तो यहां पे हम x की जगह पे 2 रख देंगे, क्यूब अपनी जगह पे ही रहेगा, तो 2 क्यूब 8, तो p ऑफ 2 भी आ गया. सो यहां पे ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप ये पहली बार कर रहे हो तो आपको इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि यहां पे तो एक ही टर्म में क्या करेंगे अब. सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी ले लिया ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे. सो यहां पे अब फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हिंट देना चाहूंगा, आप कंफ्यूज हो गए होगे. तो फोर्थ क्वेश्चन में ऐसे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, दो तरीके है सॉल्व करने के, डायरेक्टली ब्रैकेट में ही वैल्यू रख दो कि जीरो है तो जहां पे जीरो है रख दिया, अगर वन आता है तो डायरेक्ट रख दो, और दूसरा ये है कि इसको आप एक्सपांड कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो ये ब्रैकेट्स को, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस वन इंटू प्लस वन माइनस वन. ये मल्टीप्लीकेशन आपको अगर डिफिकल्ट लगा है तो मेरी मेथड याद रख लो, एक्स इंटू एक्स क्या किया, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स तो माइनस एक्स माइनस वन इंटू प्लस वन तो माइनस वन, ठीक है. अब ये तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है एक्स स्क्वायर माइनस वन. ये बन गया पॉलिनोमियल आपका. तो
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसमें ब्रैकेट में वैल्यू रख दो, जैसे कि जीरो रख दिया तो जीरो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस वन, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो प्लस वन, माइनस वन प्लस वन क्या होगा माइनस वन, यानी कि पी ऑफ जीरो माइनस वन आएगा। सो बहुत सिंपल है, इसमें कोई यानी कि कोई डाउट वाली बात नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आराम से आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप पे, आपने अगर ये थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड अच्छे से देखा है तो ठीक है। जो भी आपको कॉपी करना है आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। So, यहां पे ये जो था 2.2 एक्सरसाइज का जो था ये पार्ट वन था, क्योंकि इसके बाद के जो दो क्वेश्चंस है वो थोड़े डिफरेंट है, यानी कि हमने समझ लिया। अब जीरोस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जीरोस ये क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल ये क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ाऊंगा, देन वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सो यहां पे आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, जीरोस यहां जहां से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्कूल के ग्रुप्स में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और होमवर्क के बारे में आंसर देना मत भूलना। मैं जल्दी कुछ सोच रहा हूं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊं, ताकि आपके मार्क्स भी अच्छे आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।